Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए न्यू वीडियो के साथ न्यू रेसिपी। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चॉकलेट केक, और जिसके लिए हमें ना किसी मशीन की ज़रूरत है, ना ही हमें किसी बीटर की ज़रूरत है, ना ही हमें किसी ओवन की ज़रूरत है। तो मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए एक बाउल, जिसमें ये बर्फ़ का कोला भी सिखा सकते हैं, ये मोल्ड हमें लेना है, और इसको हमने ग्रीसिंग कर देनी है ऑयल के साथ। सबसे पहले हमने मोल्ड तैयार करना है, तो ऑयल लगा के हमने इसको ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद हमने बटर पेपर ले लेना है, और इसको हमने सर्कल की शक्ल में हमने काट लेना है। बॉल की हमने वो देख लेनी है कि कितना इसका वो साइज है, तो उस हिसाब से हमने इसको कटिंग कर लेना है, और इसको हमने ऐसे लगा देना है। और लगाने के बाद फिर इसको हमने ब्रश के साथ फिर दोबारा ऊपर हमने ऑयल लगाना है। ऑयल अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर इसको लगा देना है, और साइडों पे भी अच्छी तरह से लगा लेना है। इसको हमने साइड पे रख लेना है, और अगला हमने प्रोसीजर स्टार्ट करना है। दो एग लेने हैं हमने, और उसको हमने एक अच्छे से प्यारे से बॉल में निकाल लेना है, और विस्क के साथ हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छी तरह से फेंट लेना है अंडों को, ताकि हमारा केक का मिक्सचर बहुत अच्छा बने। उसके बाद हमने लेना ऑयल, ऑयल 1/4 कप, मतलब के 1 कप का चौथा हिस्सा, इतना हमने ऑयल लेना है, और उसको भी मिक्सअप कर लेना है। और ऑयल और अंडों को मिक्स करने के बाद हमने लेनी है चीनी। चीनी हमने ली है 1/2 कप, 1 कप का दूसरा हिस्सा, ये हमने इतनी चीनी लेनी है, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्सचर में अंडे और ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने लिया है यहाँ दूध 1/2 कप, 1 कप का दूसरा हिस्सा, 1/2 कप हमने दूध लेना है, और इसको भी हमने मिक्स कर लेना है। हर चीज़ को, जो भी हम चीज़ डालेंगे, उसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि हमारा केक बहुत अच्छा बने। उसके बाद हम डालेंगे वनीला एसेंस, ये हमने 1 चम्मच इसका डालना है, और इसको डालने के बाद अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हमने डालना है मैदा। मैदा लिया है हमने 1/4 कप, 1/4 कप हमने मैदा लेना है, और 3 चम्मच हम कोको पाउडर के लेंगे, 1, 2, 3 चम्मच हम कोको पाउडर, और 1 चम्मच हम लेंगे बेकिंग पाउडर का, और इसको हम सब तीनों चीज़ों को हम छान लेंगे। अच्छी तरह से छान के फिर हम इसको मिक्सअप करेंगे। पहले हम 1/2 डालेंगे, ताकि हमारे मिक्सचर में गुठलियाँ ना बने, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद बाकी पाउडर, ये मैदा, कोको पाउडर, इन सब को हम इसमें डालेंगे मिक्सचर में, और फिर हम इसको मिक्सअप करेंगे। तो मिक्सचर की इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाएगी, इसका मिक्सचर इस तरह का होना चाहिए। और उसके बाद हम इसे डालेंगे मोल्ड के अंदर, और अच्छी तरह से बर्तन को साफ़ कर लेंगे, ताकि डिस्क हमारा ज़ाया ना हो। और उस प्रेशर कुकर के अंदर ना ही बजरी डालेंगे, ना ही हम रेता डालेंगे। हम इसमें हांडी स्टैंड रखेंगे, और उसके ऊपर हम मोल्ड, जिसमें हमने मिक्सचर डाला है वो डाल देंगे, उसको रख देंगे, और इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। इसके ऊपर आप मोटा कपड़ा भी दे सकते हैं, मैंने 1/2 दे दिया। और इसको हम 50 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ 50 मिनट के बाद मेरा केक रेडी हो चुका है। मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ज़्यादा लो नहीं करनी और ज़्यादा हाई भी नहीं करनी, मीडियम फ्लेम में पकाना है। और यहाँ पर हम कोई भी आपके पास चीज़ है जिससे आपको पता चल जाए कि आपका केक रेडी हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर टूथ स्टिक ले ली है, उससे मैंने चेक किया है, और आपको ऐसे पता चलेगा कि आपकी स्टिक पे कुछ भी ना लगा हो, लिक्विड टाइप कुछ ना हो, खुश्क हो आपकी स्टिक, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका केक रेडी हो चुका है। तो ये केक आप प्रेशर कुकर के अंदर, बर्तन के अंदर रख के, तो आप अपना काम जो भी करना हो करें, रिलैक्स होकर काम करें, और 50 मिनट के बाद आप अपना केक देखें तो यहाँ रेडी हो चुका होगा। तो यहाँ मेरा भी केक रेडी हो चुका है। तो इसको हम स्पैचुला की मदद से, हम साइडों से, किनारों से इसको हम निकालेंगे। काम में छुरी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। तो अब हम बटर पेपर उतारेंगे,
तो माशाल्लाह यहाँ पर हमारा केक बहुत ही अच्छा रेडी हो चुका है। तो इसको मैं आपको काट के दिखाती हूँ, इसको हम दरमियान से काट लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ लिया है चॉकलेट सिरप, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, और इसको क्रीम में डालें और क्रीम में डालने के बाद अच्छे से मिक्स करें। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप केक की डेकोरेशन करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको केक की डेकोरेशन करके दिखाऊंगी। तो उसके लिए हमने ये मिक्सचर रेडी करना है, क्रीम के अंदर हमने चॉकलेट सिरप डालना है और अच्छे से इसको हमने चॉकलेट कलर देना है। तो यहाँ पर चॉकलेट क्रीम रेडी हो चुकी है, तो इसके बाद हम केक का एक हिस्सा लेंगे, उसके ऊपर क्रीम, सिंपल जो क्रीम होती है वो हम डालेंगे। आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं क्रीम या खुद बना सकते हैं, उसे क्रीम को हम केक के ऊपर लगाएंगे। और उसके बाद हम केक के दूसरे हिस्से को हम इसके ऊपर रख देंगे। देन हम ये करेंगे कि वो जो हमने चॉकलेट क्रीम बनाई है वो हम डालेंगे और इसको हम केक के चारों कोनों पे हर जगह लगा देंगे। और जैसे आप चाहें वैसे आप अपने केक की डेकोरेशन करें, मैं अपनी मर्जी की डेकोरेशन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी डेकोरेशन केक की भी पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी केक रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो मैं अपनी अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।